हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसीएम जेई मेंस 8 जुलाई का, जहां पर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं सॉल्ट एनालिसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यू ऑल नो दैट कि सॉल्ट एनालिसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों के दोनों जेई मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हमारा जो सॉल्ट एनालिसिस है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेई एडवांस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉल्ट इज हीटेड विद द डाइल्यूट H2SO4 एंड द KMnO4, द पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज द सॉल्ट इज। जब एक लवण को तनु H2SO4 के साथ में और KMnO4 के साथ में गर्म किया जाता है तो KMnO4 का जो गुलाबी रंग है वो विलुप्त हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, KMnO4 का गुलाबी रंग तभी विलुप्त होगा जब KMnO4 में प्रेजेंट मैग्नेस अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करेगा, मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहां पर हम लोग को सॉल्ट देखने है कि भाई कौन सा सॉल्ट जो है जिसमें हमारा जो KMnO4 है वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग सल्फाइड सॉल्ट को देखें, सल्फाइड सॉल्ट का मतलब बेटा यहां पर सीधा क्या हो गया, SO3-2, दैट इज द सल्फाइड सॉल्ट। सल्फाइड सॉल्ट जब कभी भी KMnO4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो KMnO4 है, मतलब जो SO3-2 सल्फाइट है, ये MnO4-1 के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेगा Mn2+ और साथ में निकाल देगा क्या बेटा, SO4-2। इट मीन टू से दैट कि SO3 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और Mn का रिडक्शन हो जाएगा, जिससे KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, पिंक कलर जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, सल्फाइड सॉल्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन अ डाइल्यूट H2SO4 और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर विथ स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन, द करेक्ट सॉल्ट कंटेन, कौन सा सॉल्ट कंटेन कर रहा है। अगर हम लोग तनु H2SO4 या एसिटिक अम्ल के एक लवण के विलयन का स्टार्च आयोडाइड विलयन के साथ में गहरा रंग नीला रंग देता है तो वह लवण कौन सा होगा, यह हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर जो हमारा NO2- है, NO2- रिएक्ट करता है एसिड के साथ, वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है या हमारे पास वो एसिड जो है वो H2SO4 भी हो सकता है, और वो आई निगेटिव के साथ में रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस क्या करता है बेटा, इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर देगा हमारे पास क्या बेटा, दैट इज प्रोड्यूस I2+NO+, यहां पर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा I2 के साथ में जो हमारे पास NO2- है, ये प्रोड्यूस कर देगा NO को, ठीक है, ओके। NO गैस रिलीज होगी, ब्राउन कलर गैस है हमारी, और ये NO जो हमारे पास है, जो I2 है, ये I2 स्टार्च के साथ में रिएक्ट करेगी और ब्लू कलर को प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास ब्लू कलराइजेशन प्रोड्यूस होगा जब हमारा NO2 जो है वो आई निगेटिव को कन्वर्ट करेगा I2 में, और I2 जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलराइजेशन को प्रोड्यूस करेगी, ब्लू कलर को प्रोड्यूस करेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, फोर्थ, मतलब नाइट्राइट आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड विद द Fe2+ आयन टू फॉर्म द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सभी को पता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो है वो NO की वजह से होता है, जिसमें हमारा Fe2O5NOSO4 बनता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, NO है। तो हमारा सेकंड आंसर आएगा जो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है या ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स को बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देयर आर द 4 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग HCl, BaCl2, CdCl2 एंड KNO3 सॉल्यूशन। Which of the following region will help to identify the BaCl2? हमारे पास है 4 परख नलियों में तनु HCl, BaCl2, CdCl2, KNO3 का विलयन है। BaCl2 को निम्न में से कौन अभिकर्मक की सहायता के द्वारा पहचाना जा सकता है? तो किस अभिकर्मक की सहायता के द्वारा हम लोग BaCl2 को पहचान सकते हैं, यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, BaCl2 हमारे पास 2 आयन है, एक हमारे पास कैटायनिक रेडिकल है और दूसरा हमारे पास क्या है, एनायनिक रेडिकल। दिस कैटायनिक रेडिकल, अगर इस कैटायनिक रेडिकल के साथ हमारा CrO4-2 आ जाए तो ये CrO4-2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BaCrO4, ठीक है,
और सीएल निगेटिव अगर एजी पॉजिटिव के साथ आ जाए तो ये क्या बना देगा बेटा, एजी सीएल का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हमारा क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और ये वाला जो प्रेसिपिटेट होता है बेटा वो येलो प्रेसिपिटेट आता है। मतलब बाय द हेल्प ऑफ रीजेंट विच कंटेनिंग क्रोमेट आयन Cr4-2 एंड एजी पॉजिटिव आयन वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसे भाई, BaCl2 को। तो ऑब्वियस ही बात है वो कौन कौन है, यहां पर हमारे पास क्रोमेट है Cr4-2 है और यहां पर हमारे पास एजी पॉजिटिव है, तो सेकेंड और थर्ड दोनों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों के द्वारा हम लोग BaCl2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाई बोरेक्स बी टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो बोरेक्स बी टेस्ट को देने के लिए हम लोग बोलते हैं भाई कि 3D सीरीज के कलर्ड आयन बोरेक्स बी टेस्ट को देते हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा मन का परीक्षण या बोरेक्स बी टेस्ट नहीं देगा। तो हम सबको पता है ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, जो जिंक है हमारे पास वो कलरलेस है, मतलब ये बोरेक्स बी टेस्ट नहीं देगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, फोर्थ, Gn2 पॉजिटिव बोरेक्स बी टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। डन बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस ब्लू कलर बीट इन कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी। निम्न में से कौन सा धातु लवण कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल गुहिका परीक्षण के दौरान नीले कलर का मनका बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें है हमारे पास Al, जो Al होता है वो बनाता है Al2O3 डॉट कोबाल्ट ओ कोबाल्ट ऑक्साइड का, और इसे हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं थेनरेड ब्लू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बनाता है थेनरेड ब्लू। जब हम लोग कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ में गुहिका परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो Al3 पॉजिटिव कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ में Al2O3 डॉट COO का एक गुहिका परीक्षण में, या बोल सकते हैं कि चारकोल कैविटी टेस्ट में ब्लू कलर को प्रोड्यूस करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट अ कलरलेस गैस। फर्स्ट, टर्बिडिटी विद द बेथरा वाटर टर्न द एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, द रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। हमें रिएक्शन में क्या बताना है भाई, किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट हमारे पास कर रहा है, बेथरा वाटर के साथ में क्या कर रहा है भाई, ये ब्लू टर्बिडिटी को क्रिएट कर रहा है। बेथरा वाटर का मतलब हो गया BaOH होल ट्राइस। ठीक है, उसे हम लोग जैसे कि हाइड्रोक्साइड होता है वैसे हमारा बेथरा वाटर का मतलब होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के केस में। यहां पर अगर बात करेंगे तो जो SO3- हमारे पास है, याद होगा सभी को SO2 जो होती थी वो CO2 की तरह से मिल्कीनेस को प्रोड्यूस करती थी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल SO3 आयन था, वही होता है SO3-2 रिएक्ट करता है BaOH होल ट्वाइस के साथ, इसे हम लोग बेथरा वाटर बोलते हैं, ये प्रोड्यूस कर देता है बेटा BaSO3। ऑब्वियस सी बात है ये टर्बिडिटी को क्रिएट करेगा और SO3-2 ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +4, ये Cr2O7 डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा क्या भाई, Cr3 पॉजिटिव प्लस क्या भाई SO4-2, और Cr3 पॉजिटिव की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, सभी को पता है फॉस्फोरस के एस्टिमेशन में अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट को यूज करते थे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था भाई, फॉस्फेट आयन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट, फॉस्फेट आयन जो है वो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, बोला है अ कलरलेस गैस इज डिजॉल्व इन द वॉटर द रिजल्टिंग सोल्यूशन टर्न द रेड लिटमस ब्लू, द गैस मे हैव बी विच ऑफ द फॉलोइंग, एक रंगहीन गैस जो जल में वियोजित होकर एक परिणामी विलयन बनाती है जिससे लिटमस पेपर लाल से क्या हो रहा है भाई, रेड, नीला, सॉरी, लाल से क्या हो रहा है, नीला, लाल से नीला होने का सीधा मतलब है गैस है बेसिक। इन सभी में कौन सी गैस बेसिक दिख रही है, सिंपल सी बात है अमोनिया दिख रही है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजी रिएक्ट विद द कंसेंट्रेट HCl
टू प्रोड्यूस विच बी एजी 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 हमें पता है अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करें तो एजी जो है वो हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास आता है एसआरबी या डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पर कह सकते हैं एजी ना तो सीएल को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना ही एच को क्या कर सकता है रिड्यूस मतलब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा आंसर हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ वी आर करेक्ट आंसर इज फोर्थ बिकॉज ड्यू टू एसआरपी रीजन हम लोग कह सकते हैं कि एजी ना तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है ना ही क्लोरीन को क्या कर सकता है बेटा ऑक्सीडाइज तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा फोर्थ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है वो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है इन कोल्ड ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस द व्हाइट प्रेसिपिटेट और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है हीट करने पर हमारे पास क्या मिल जाता है बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट ठीक है अगर हम लोग बात करें हम लोग व्हाइट प्रेसिपिटेट के बारे में अगर हम लोग बाइकार्बोनेट को देखें तो बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एमजी के साथ Mg2 पॉजिटिव के साथ बनाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और हम सबको पता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल ये सॉल्युबल होता है लेकिन अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो एक बाई पीपीटी का फॉर्मेशन करता है मतलब वो जो सॉल्ट रहा होगा वो किसका रहा होगा बेटा बाइकार्बोनेट सॉल्ट रहा होगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि KBr ऑन रिएक्शन विद द H2SO4 गिव द रेडिश ब्राउन कलर गैस एवरीबडी नोज दैट रेडिश ब्राउन कलर गैस में सबसे पहला नाम होता है Br2 का और दूसरा नाम आता है NO2 का तो रेडिश ब्राउन कलर गैस हमें KBr के हीटिंग से मिल रही है मतलब वो गैस डेफिनेटली क्या रही होगी Br2 रही होगी रेडिश ब्राउन कलर गैस दो तरह की है एक हमारे पास Br2 है और दूसरी पास है NO2 क्योंकि अपन हीट कर रहे हैं किसको भाई KBr को तो ब्राउन कलर गैस कौन सी निकलेगी Br2 तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा फर्स्ट अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलाइड इज सॉल्युबल इन वाटर ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम लोग हैलाइड के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा हैलाइड सिल्वर का है तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली बात है डिपेंड करती है आयनिक करेक्टर पर अगर बात करें तो AgF का आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा भाई AgCl बाकी सभी के सभी क्या बनाते हैं बेटा प्रेसिपिटेट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल कैन नॉट बी कंपाउंड बाय द यूजिंग ऑफ डाइल्यूट HCl सभी को पता है दैट रेडिकल इज कार्बोनेट कार्बोनेट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द डाइल्यूट HCl नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास व्हेन Cr2 K2Cr2O7 इज हीटेड विद द कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड द सॉल्युबल क्लोराइड सच एट KCl KCl के साथ में K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इंडिकेट किसे कर रहा है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या बनता है भाई CrO2Cl2 की रेडिश ब्राउन कलर या बोल सकते हैं रेड कलर क्या मिलती है भाई हमारे पास वेपर्स को इवॉल्व होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 को 16 बोला है मिक्सचर है NaCl NaBr और NaI का इसको हम लोग H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं सिंपल सी बात है अगर NaCl से बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई HCl NaBr से बनाओगे तो क्या बनेगा HBr और NaI से क्या बनाओगे तो बनेगा क्या भाई HI क्योंकि कंसेंट्रेट HCl है मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि HBr और HI दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिसकी वजह से Br निगेटिव का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा Br2 I का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा I2 बट Cl कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई कंसेंट्रेट HCl सो दैट अवर आंसर इज HCl Br2 एंड I2 आंसर क्या आ जाएगा बेटा सेकेंड क्योंकि बनने वाला HCl H2SO4 से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता उसकी जगह पर अगर हम लोग बात करें HBr और HI की तो दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो ऑक्सानी से कंसेंट्रेट H2SO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Br2 और I2 में ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम क्रोमेट मतलब K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल क्लोराइड एक मेटल क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड किया है द येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड एक येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होता है इट इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड जो कि इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड के अंदर द प्रेसिपिटेट इज सब्जेक्टेड टू द फ्लेम टेस्ट द कलर इज फ्लेम
कलर्ड फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी कलर्ड फ्लेम बनेगी। अभी पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था BaCl2 का डिटेक्शन कैसे करेंगे, वहां पर हमने बोला था कि K2Cl2 7 इज द बेस्ट रीजेंट विद AgNO3 टू डिटरमाइन द BaCl2। तो Ba जो होता है वो क्रोमेट आयन CrO4 नेगेटिव 2 आयन के साथ में प्रोड्यूस करता है क्या बेटा, BaCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बनाता है येलो प्रेसिपिटेट। और बीए का जो फ्लेम कलर टेस्ट आता है सभी को पता है क्या मिलता है भाई, एप्पल ग्रीन। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द प्रोड्यूस व्हेन द फॉर्म द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल करो। सभी को पता है Mg, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3 को बॉयल कर दिया जाए तो यहां से क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MgCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट, अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl टर्न टू ग्रेनिश और ब्लैक व्हेन, अगर हम लोग AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट को रख दें कहां पर भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है और बनाता है Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट और Cl2 क्या हो जाती है, इवॉल्व। तो सनलाइट पर अगर रखेंगे हम लोग तो एक्सपोज टू द सनलाइट देन द Ag इज कन्वर्ट इनटू द ब्लैक प्रेसिपिटेट। Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लैक प्रेसिपिटेट में, हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज टर्न द ब्लैक विद द अमोनिया। याद होगा अमोनिया सॉल्यूशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और अमोनिया सॉल्यूशन के बड़े ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं मर्क्यूरियस क्लोराइड। मर्क्यूरियस क्लोराइड मतलब MgCl2, MgCl2 रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, और क्या बनाता है, ये बना देता है Hg, ठीक है ना, यही से बनता है हमारे पास HgClNH2, और साथ में क्या बन जाता है Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट और इसका क्या मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, देन द आंसर इज मर्क्यूरियस क्लोराइड HG2Cl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन की मैंने द व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ऑन पासिंग H2S इन दियर सॉल्यूशन द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। H2S को पास करने पर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कंप्लीटली इन हॉट HNO3 ऑन एडिंग ऑफ फ्लू ड्रॉप्स ऑफ द कंसेंट्रेट H2SO4, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट, द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, ठीक है। एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ को जल में घोला जाता है, इस विलयन को H2S प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप मिलता है, काला अवक्षेप पूर्ण रूप से गर्म HNO3 में घुल जाता है और कुछ बूंद H2SO4 मिलाने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो अमोनियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट विलयशील है तो सफेद अवक्षेप क्या होगा, सफेद अवक्षेप के बारे में बात कर रहा है कि भाई वो सफेद अवक्षेप क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें पीबी के बारे में, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पीबी, ठीक है भाई, पीबी को डिजोल्व किया वॉटर में और पास किया क्या भाई H2S, वॉटर प्लस H2S को पास किया, क्या बन जाएगा PbS, PbS को हम लोग ले जाएंगे HNO3 में, HNO3 में जाने पर ये क्या बनाएगा भाई Pb2 पॉजिटिव प्लस साथ में निकाल देगा NO3 माइनस प्लस बना देगा भाई सल्फर, सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव H2SO4 के सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा PbSO4, और यही PbSO4 क्या होता है भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, मतलब हमारा आंसर होगा थर्ड। ये प्रेसिपिटेट हम लोग से कह रहे हैं अमोनियम एसीटेट मतलब NH4CS3COO, अमोनियम एसीटेट में हीट होगा तो क्या बनाएगा डाई अमोनियम लेड टेट्रा एसीटेट PbOAC4 डिसॉल्व बना जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये तो सिंपल सा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि AgBr इज
हाईली सॉल्वेबल, सबसे ज्यादा उच्च विलेयता किसमें रखेगा, ऑब्वियसली बात है बेसिक मीडियम में क्या रखेगा, उच्च विलेयता। यहां पर तो क्या मिल रहा है, कॉमन एंड मिल रहा है, और वाटर से ज्यादा वो बेसिक मीडियम में क्या रखेगा भाई, विलेयता को रखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है, निम्न में से कौन से युग्म हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर पृथक नहीं किए जा सकते, कौन कौन से पृथक नहीं किए जा सकते H2S को प्रवाहित करने पर। ऑब्वियस सी बात है वही पृथक नहीं हो सकते जो सेम टाइप के प्रेसिपिटेट को दे देंगे, और सेम टाइप का प्रेसिपिटेट कौन देता है, कैडमियम और SN, दोनों के दोनों येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, मतलब कैडमियम एंड SN बोथ गिव्स द सल्फाइड येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑन पासिंग H2S व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन 0.5। जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.5 से ज्यादा होता है तो दोनों के द्वारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें हम लोग H2S प्रवाहित करके अलग अलग नहीं कर सकते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 23rd का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। 24 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड बाई पासिंग ऑफ H2S इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl। कौन सी किस किस चीज को हम लोग प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl के साथ में पास करके नहीं कर सकते, ठीक है, कंसेंट्रेट HCl, कंसेंट्रेटेड HCl के साथ में कैडमियम कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो कैडमियम का प्रेसिपिटेशन नहीं पॉसिबल होता, मतलब कैडमियम कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड एज दियर सल्फाइड ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl। बेसिक मीडियम प्रेसिपिटेशन होता है या डायल्यूट HCl में प्रेसिपिटेशन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कटायन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +1 बोथ KI और KCN दोनों के साथ हो जाए। तो बेटा देखो, जब हम लोग Cu+2 को I निगेटिव के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा Cu2I2 प्लस बना देगा I2, ठीक है। यहां देखो कॉपर कितना है +2, यहां पर कॉपर कितना है +1, मतलब रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग Cu2 पॉजिटिव को CN निगेटिव, जो कि KCN का एनायन है, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना देगा हमारे पास CuCN, ठीक है भाई, CuCN हमारे पास प्रोड्यूस करेगा और साथ में बन जाएगा CN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है +1 और यहां पर क्या था +1, तो Cu2 पॉजिटिव आयन KCN के CN निगेटिव से रिड्यूस हो सकता है और I के I निगेटिव से भी रिड्यूस हो सकता है। आंसर आ जाएगा क्या बेटा, थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स इज रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन के फॉर्मेशन को कौन रिटार्ड करता है, सभी को पता है क्लोराइड रेडिकल। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। क्लोराइड रेडिकल क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है किसको भाई, ओजोन के फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोला है अंटार्कटिका पर ओजोन परत का अवक्षय क्लोरीन नाइट्रेट के निर्माण के कारण हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ओजोन और NO2 दोनों ही प्रदूषित वायु में उपस्थित अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके पैन बनाते हैं, मतलब ठीक है ना, पैन का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल सही है। चिर सम्मित धूम्र कोहरा तथा सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। क्लासिकल स्मोक इज द कंसिस्टेंट मिक्सचर ऑफ द स्मोक ऑफ फॉग एंड द सल्फर डाइऑक्साइड इज द वेरी राइट आंसर। अगला है, गैसी प्रदूषक में कार्बन सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड धूल कण एवं कोहरा इत्यादि होते हैं, कौन कौन, इसमें हमारे पास बोला है कि कोहरा इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गैसी प्रदूषक में तो ये नहीं होता भाई, हमारे पास धूम्रकण तो प्रेजेंट नहीं होते, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है। 28 में कह रहा है कि भाई बीओडी हमारे पास क्या है, व्हाट इज द बीओडी क्या है, बीओडी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरियल टू ब्रेक डाउन द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यही तो है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज थर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में हमसे बोला है भाई डीडीटी क्या है, सबको पता है डीडीटी हमारे पास क्या है भाई,
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉपुलेंट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बोला है इनकम्प्लीट कंबस्टन हमारे पास जो हो रहा है उसको हम लोग कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर होगा तो उस इनकम्प्लीट कंबस्टन में जो मेजर कंपोनेंट बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बाय डिटेक्टिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्टन हुआ या नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी इंटीजर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं, जेई मेंस में, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, Which of the following statement is incorrect? कौन सा statement incorrect है? बहुत सारे बच्चे correct statement की तरफ चले जाते हैं, हम लोग incorrect statement को यहाँ पर हमें सुनना है। पहला दे रखा है, The filter paper moistened with the cadmium acetate and the lead acetate turned the black and yellow precipitate respectively. क्या क्या है? Black और yellow precipitate respectively. हम सबको पता है cadmium का precipitate yellow होगा और lead का acetate जो precipitate होगा वो black होगा, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि कैडमियम का ब्लैक है और येलो किसका है? लेड का। मतलब ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? गलत है, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं, सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड प्रोड्यूस H2S। बिल्कुल सही बात है, सल्फाइड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, H2S गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है और Zn2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज जिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो सल्फाइड को H2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगला है, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर। गलत बात है, धात्विक लक्षणों के बढ़ने पर कार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता है। मतलब ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। द बोरेक्स परीक्षण जो है वो पी और डी दोनों धातुएं देती है, गलत। केवल और केवल डी ब्लॉक की धातुएं, वो भी जो कलर्ड आयन बनाती हैं, वही केवल हमारे पास बोरेक्स बीट टेस्ट को देती हैं, तो ये वाला अभी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ है, सोडियम क्लोराइड K2Cl2O7 के जलीविलयन सांद्र H2SO4 के साथ गर्म होने पर सफेद धूम्र मतलब व्हाइट फ्यूम्स देता है, गलत। याद होगा हमें क्या मिलती है भाई, क्रोमिल क्लोराइड की कलर्ड फ्यूम मिलती है, व्हाइट कलर नहीं मिलती है, यह भी आंसर गलत हो गया। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमारे पास पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है और पांचवा गलत है, मतलब चार आंसर गलत हैं। तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर कितना आ जाएगा? फोर। फोर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स मनिका बोरेक्स परीक्षण में जो रीजेंट यूज किया उसका हमें बीओबी लिंकेज देखना है। सभी को पता होगा बीओबी लिंकेज बोरेक्स के केस में, BOB लिंकेज ये आया। कितना आ गया भाई? 1, 2, 3, 4 and 5। 5 बीओबी लिंकेज होते हैं बोरेक्स के अंदर, Na2B4O7.H2O के अंदर। वहां पर हमारे पास कितने हैं भाई? 5 बीओबी लिंकेज हैं। याद होगा कुछ बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, कुछ बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई भूरे वाले मतलब कि ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स याद होगा Fe H2O whole 5 NO plus क्या भाई? +2, ये आ जाता है हमारे पास। और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बोला एम्बिडेंटेंट लिगेंड नहीं है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड A=0। इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या आयरन के बारे में बात करें तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर B+1, मतलब B बराबर क्या आ गया बेटा? +1। A+B बराबर क्या आ गया बेटा? 1। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन सी हमें अमोनिया देगी? तो सभी को ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सल्फेट भी अमोनिया देता है, कार्बोनेट भी अमोनिया देता है, क्लोराइड भी अमोनिया देता है, नाइट्रेट हमारा N2O देता है और ये हमारा डाइक्रोमेट हमारा N2 देता है, ठीक है। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ये तीन ऐसे रीजेंट होंगे जो कि हमारे क्या देंगे भाई? अमोनिया गैस को इवॉल्व करेंगे। क्लियर है? तीन रीजेंट हमारे क्या बनाएंगे भाई? अमोनिया गैस को इवॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा फ्लेम टेस्ट दे रहा है, कौन कौन सा फ्लेम टेस्ट देने वाला है? तो
सोडियम देगा, लिथियम देगा, पोटेशियम, बेरिलियम, एसआर, मैग्नीशियम नहीं देता, आरबी देता है, सीएस देगा, बी नहीं देता, सीए देता है, सीयू। तो ये हमारी मेटल्स हैं जो हमारी फ्लेम टेस्ट दे रही हैं। तो कितनी मेटल फ्लेम टेस्ट दे रही है बेटा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, ये नहीं दे रहा, आठ और ये नौ। तो नाइन मेटल्स हैं जो कि फ्लेम टेस्ट देंगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? नाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द एसिडिक रेडिकल विच प्रोड्यूस द वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एससीएल। कौन कौन से अम्लीय मूलक हैं जो कि एससीएल के साथ में वाष्पशील उत्पाद देते हैं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से वाष्पशील उत्पाद देंगे? ऑब्वियस ही बात है, NO2 हमारा वाष्पशील उत्पाद देता है, वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है। SO3 2 नेगेटिव भी वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है और बाइकार्बोनेट भी वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है। मतलब ये तीन हमारे ऐसे एसिडिक रेडिकल हैं जो कि वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा? थ्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाउ मेनी एनायन इवॉल्व ब्राउनिश कलर गैस व्हेन ट्रीटेड विद द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट कि कौन सा ब्राउनिश कलर गैस को हमारे सामने प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन सा हमारे पास ब्राउनिश कलर गैस देगा जब हम इसे तनु या सांद्र HCl के साथ में क्या करेंगे भाई? ट्रीट करेंगे। तो ब्राउनिश कलर गैस किससे मिलेगी भाई हमारे पास? NO2 नेगेटिव से तनु या सांद्र HCl के साथ ट्रीट करने पर NO2 नेगेटिव हमारा क्या बनाएगा भाई? ब्राउनिश कलर गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो NO2 नेगेटिव हमारा क्या बना देगा भाई? ब्राउनिश कलर गैस बनेगी। कैसे बनेगी? NO2 माइनस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा भाई? HNO2। HNO2 कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 और बनाएगा ब्राउन कलर गैस NO। NO एयर के साथ रिएक्ट होगी, क्या बनाएगी भाई? NO एयर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर देगी क्या बेटा? That is produced twice of NO2, और NO2 जो होती है वो ब्राउनिश कलर गैस होती है जब इसे हम लोग HCl के साथ में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या भाई? केवल एक रेडिकल ऐसा है, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो NO2 गैस मिलेगी जो कि ब्राउनिश कलर होगी। सेवन का आंसर हो जाएगा वन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है BO3 निगेटिव है, बोरेटाइन हमारे पास है, कंसेंट्रेट H2SO4 है, थायल अल्कोहल है, ग्रीन फ्लेम कलर बता रहा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन कंपाउंड ए? कंपाउंड ए जो बना है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अगर हमारी ग्रीन कलर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है? तो भैया देखो, याद होगा ये थायल अल्कोहल है। जब हम लोग इथाइल अल्कोहल H2SO4 और B2O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा भाई? इथाइल बोरेट मिलेगा। क्या मिलेगा? इथाइल बोरेट। तो C2H5 होल थ्राइस BO3 मिलता है, इथाइल बोरेट मिलता है, और इथाइल बोरेट में अगर हम लोग बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें सेंट्रल एटम, तो क्या आ जाएगा भाई? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? तीन। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एच जी टू पॉजिटिव एच जी टू टू पॉजिटिव दैट इज मर्क्यूरिक दैट इज मर्क्यूरस Pb2 positive, Ag positive, Bi3 positive, cadmium 2 positive. Out of these, how many ion will produce the white precipitate with the dilute HCl? कौन कौन से आयन डायल्यूट HCl के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेंगे? तो भैया देखो, Pb व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा Pb2 पॉजिटिव के साथ में, Cl निगेटिव क्या बनेगा? PbCl2। क्या बन जाएगा बेटा? PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें Hg मर्क्यूरस के साथ में, अगर हम लोग Cl निगेटिव की बात करें तो Cl निगेटिव रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये तो बड़ा कॉमन सा है, Ag पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव क्या बनाएंगे भाई? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो हमारे पास एक ये वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, एक ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, एक ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो टोटल तीन आयन ऐसे है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं जब इन्हें हम लोग HCl के साथ में क्या कर रहे हैं भाई? ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन मर्क्यूरिक आयन ऑन ट्रीटमेंट विद द सॉल्यूशन ऑफ द कोबाल्ट सेकंड थायोसाइनेट गिव्स राइज टू डीप ब्लू कलर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मर्क्यूरी इन द डीप ब्लू कलर कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम लोग बना ले भाई डीप ब्लू कंपाउंड हमारा बना क्या, तो Hg2 पॉजिटिव कोबाल्ट थायोसाइनेट मतलब SCN होल 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है -2, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा कोबाल्ट, अंदर आएगा Hg SCN होल 4 दिस वन। अब हमारे पास बोला है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मर्करी, मर्करी का कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे दिख रहा होगा थायोसाइनेट मोनोडेंटेंट लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा 4, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4, यही डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है CO कोबाल्ट बार Hg SCN होल 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आई होप सभी ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा जेई मेंस का, अब हम लोग जेई एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, जेई एडवांस डीसीएम 44 8th July, टॉपिक हमारे थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सॉल्ट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस फॉर द IIT एडवांस। बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, इंटीजर्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है। यहां पर हम फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि क्लोराइड सॉल्ट था K2Cl2O7H2SO4 के साथ ट्रीट किया, पास किया NaOH के थ्रू, एसिडिफाइड सॉल्यूशन एसिटिक एसिड इज एडेड। अब हमारे पास है, जैसे ही हमारे पास कोई क्लोराइड साल्ट हमें कभी भी K2Cl2O7 और H2SO4 के साथ दिखता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात टिक करती है कि भाई वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हमारा देगा। सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा ए क्या हो सकता है, तो ए वही होगा जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा और वो कौन सा होगा भाई RbCl, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टेप थर्ड में पीबी लेड एसिटेट इज एडेड विदाउट एसिडिफाइंग द सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड फॉर द पॉसिबल प्रोडक्ट में भी। देखो भाई ये हमारे पास बना था बी प्रोडक्ट CrO2Cl2, ये हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स जो हमें मिलती थी वही मिली थी, यहां से हम लोगों ने NaOH के साथ ऐड किया और साथ में हमने ऐड कर दिया किसके बाद, इसके बाद लेड एसिटेट को ऐड कर दिया PbOSe4, ठीक है। तो जब हम लोग लेड एसिटेट को ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला मिलेगा PbCrO4 और दूसरा मिलेगा Na2PbO2, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, एक PbCrO4 ये गिवन है और ये हमारे पास है Na3PbO2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई PbCrO4, ठीक है। ओके, अगला पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, अच्छा पैराग्राफ है हमारे पास ये, नेक्स्ट पैराग्राफ में काफी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस है इन कॉन्सेप्ट्स की भी। कॉन्सेप्ट क्या है कि पैराग्राफ दिया हुआ है, एक ब्लैक मिनरल है, कंसेंट्रेट HCl से बी गैस निकला, सी कंपाउंड साथ में बना जो कि हॉट वाटर में सॉलेबल है और वाइट प्रेसिपिटेट H2SO4 के साथ देता है। ब्लैक मेटल को डी के साथ रिएक्ट अगर हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो डी गैस निकलता है, डी निकलती है और साथ में कुछ गैस निकलती है, गैस को K2Cl2O7 में डालते हैं तो ग्रीन कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बोला है गैस बी ऑन पासिंग थ्रू द कैडमियम एसिटेट द सॉल्यूशन विल बी गिवन, गैस बी ऑन क्रॉसिंग फ्रॉम द कैडमियम एसिटेट द सॉल्यूशन विल बी गिवन। जब कभी हम लोग ब्लैक मिनरल के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में सीधे आ जाता है PbS, मतलब ये क्या रहा होगा लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड को कंसेंट्रेट HCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, गैस भी बनेगी H2S और साथ में हमारे पास बन जाएगा क्या भाई PbCl2, ये क्या आ जाएगा PbCl2 जो कि हॉट वाटर में क्या होगा सॉल्वेंट और H2SO4 के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट देगा PbSO4, डन, ठीक है। अब हमसे इसने क्या बोला कि अगर हम लोग गैस को पास करें कहां से भाई कैडमियम एसिटेट से, हम सभी को पता है कि H2S when passes from कैडमियम एसिटेट इट गिव्स द येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ CdS, ये क्या बनाता है CdS का येलो कलर प्रेसिपिटेट, तो येलो कलर प्रेसिपिटेट होने का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया भाई सेकंड, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गैस बी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली, ई के लिए हमें एक बार फिर से पैराग्राफ को जरा चेक करना पड़ेगा कि ई एक्चुअली बना क्या रहा है, ठीक।
तो जरा देखते हैं, हमसे बोला है ब्लैक मिनरल था, हीट किया एयर के साथ में और क्या बना। तो अगर हम लोग ब्लैक मिनरल बात करें पीबीएस, तो पीबीएस को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो क्या बनेगा, पीबीओ, और प्लस साथ में क्या निकलेगा भाई, एसओ टू। तो गैस ई हमारे पास क्या होगी, एसओ टू, गैस बी क्या थी, एच टू एस। तो हमारा आंसर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन में रेस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा बी इज एच टू एस एंड ई इज एच टू एसओ टू। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर कंपाउंड है, इस कंपाउंड को HCl के साथ में हीट करते हैं, HCl के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, Cl2 वाटर में वो सॉल्युबल हो जाता है, कंपाउंड C मिलता है, C से सॉल्युबल कंपाउंड मिल जाता है, यूजिंग फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के डिटेक्शन में आता है, इसके साथ में ये ब्राउनडेन कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये ओवरऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस पूरे पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये किस तरह से हमारे पास चीजें बन रही, ठीक है। अब कह रहा है वो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, आप सभी को याद है कि अगर हमें अमोनियम आयन का डिटेक्शन करना है तो अमोनियम आयन के डिटेक्शन के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है नेशनल रीजेंट K2HGIO4। K2HGIO4 का मतलब क्या हो गया कि भाई सिंपल सी बात है, यहां पर जो कंपाउंड कोई भी रहा होगा वो मरकरी का कंपाउंड होगा, वही हमारे पास ऑप्शन भी गिवन है कि सभी के सभी कंपाउंड मरकरी के, ठीक है। अब हमसे सबसे पहले बोला है कि कंपाउंड ए क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी कि व्हाट इज द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए हमारे पास क्या है। तो कंपाउंड ए हमारे पास आ जाएगा Hg2NO3, अमोनियम नाइट्रेट। कैसे कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा Hg2NO3 होल ट्वाइस, मर्क्यूरस नाइट्रेट। अगर हम लोग मर्क्यूरस नाइट्रेट को HCl के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विद HCl। तो मरकरी के सब के सब हैं, तो मरकरी का अर्थ में मर्क्यूरस ही प्रेसिपिटेट देता है, तो यहां पर मिल गया Hg2Cl2। Hg2Cl2 को Ki एक्सेस में हम लोगों ने ट्रीट किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास मिल गया, और इसको हम लोगों ने जब Cl2 के साथ ट्रीट कर दिया तो यह बन गया मर्क्यूरस, सॉल्युबल था Hg, ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, मर्क्यूरिक मतलब Hg2Cl2, ये आ जाएगा बेटा क्या, HgCl2, जो कि सॉल्युबल होगा। Ki के साथ में हीट कराएंगे, जब Ki के साथ में हीट कराएंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलेगा HgI2 का, HgI2 के एक्सेस आप रिएक्ट कराएंगे तो नेशनल रीजेंट K2HgI4 बन जाएगा, ये नेशनल रीजेंट हमारे पास बन गया, ठीक है। अब तो हमारा पहला तो आंसर हो गया क्या भाई, मर्क्यूरस नाइट्रेट हमारे पास कंप्लीट हमारे पास आंसर आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई मर्क्यूरस नाइट्रेट। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि डी कंपाउंड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्राउन पीपीटी बनता है जी, देन द जी कंपाउंड। जी कंपाउंड के लिए बार पीछे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास है कि भाई अगर हम लोग डी कंपाउंड हमारे पास था ये, और उसको हम लोग ट्रीट करा दें किसके साथ, ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ में इसको ट्रीट कराएं तो क्या बनने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास डी कंपाउंड बन गया था, पीछे भी डी कंपाउंड हमारा आ गया था K2HgI4, नेशनल रीजन रिएक्ट करा दिया NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ, और यहां से प्रोड्यूस करेगा HgO.HgNH2I, ठीक है, HgNH2I का ब्राउन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, जो कि रिलेटेड टू है थर्ड पैराग्राफ। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैराग्राफ नंबर फोर हमारे पास गिवन है। पैराग्राफ नंबर फोर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पैराग्राफ फोर है कि भाई एक पैराग्राफ दिया रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए पास किया H2S से, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ बी मिला, सॉल्युबल इन 50% HNO3 फॉर्मिंग सी, सी 50% HNO3 में सी फॉर्म किया। अब हमें उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। एक कंपाउंड को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं सॉल्यूशन के साथ में तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व होता है, वाटर अगेन टर्बिडिटी विद कंपेयर ई के साथ में हमारे पास जब हम लोग वाटर को डालते हैं तो ई की जो कंपाउंड है वो व्हाइट टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। एक बार जरा इसको इधर कर देंगे, ठीक है। मोरओवर सॉल्ट ऑन हीटिंग विद द सॉलिड K2Cl7 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर वेपर्स विद dissolved sodium hydroxide solution forming the yellow solution. This solution gives the yellow precipitate with
BaNO3 whole twice on basis of the characteristic information. Answer the following questions. Okay, चलो देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद द ए के आई गिव्स द ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट. एक प्रेसिपिटेट देता है एफ विच डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ रिएजेंट फॉर्मिंग द कलर्ड कंपाउंड जी. द कंपाउंड केमिकल कंपाउंड एफ एंड जी आर रिस्पेक्टिवली. कौन कौन से केमिकल कंपाउंड एफ और जी हमारे पास है. सबके सब क्यों देखें अगर हम लोग तो भैया ये कलर्ड नहीं हो सकता. ये कलर्ड नहीं है. ये भी कलर्ड नहीं है. ये भी कलर्ड नहीं है. वो भी नहीं है. मतलब हमारा आंसर तो सीधे सीधे क्या बन गया भाई. थर्ड आंसर बन गया. कैसे बना. बी आई थ्री पॉजिटिव दैट विल बी रिएक्ट विद आई माइनस थ्राइज ऑफ माइनस. सबसे पहले ये क्या बनेगा. बी आई थ्री बना देगा. ठीक है. दिस बी आई थ्री इज ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट. ये हमारा होता है ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट. ठीक है. एक्सेस ऑफ के आई में जो हम लोग इसको डिजोल्व करेंगे तो बी आई थ्री एक्सेस ऑफ आई माइनस पे डिजॉल्व होगा बनाएगा बी आई आई फोर माइनस. बी आई आई फोर माइनस जो होगा वो एक ऑरेंज कलर कंपाउंड को प्रोड्यूस कर देगा. ये हमारा क्या आ जाएगा. ऑरेंज कलर कंपाउंड. ठीक है. ये ऑरेंज कलर कंपाउंड हमें प्रोड्यूस हो जाएगा. तो हमारा भाई आंसर क्या आ गया भाई. रिस्पेक्टिव कंपाउंड क्या होंगे. बी आई थ्री एंड बी आई ओ फोर. बी आई फोर माइनस. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा सेवेंथ का थर्ड. नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक प्रेसिपिटेट एफ ऑन हीटिंग विद वॉटर. ब्लैक प्रेसिपिटेट जो हमें मिला था वो किसका मिला था भाई. बी आई आई थ्री का मिला था. अब कह रहा है इसको अगर हम लोग वाटर के साथ में हीट करें तो क्या बनने वाला है. तो वाटर के साथ में हीट कर दो भाई. तो वाटर के साथ में हीट करोगे याद होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में सर ने पढ़ाया होगा कि जो बी आई का सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता. क्यों नहीं होता. क्योंकि वहां पर हमारे कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और वहां से प्रोडक्ट क्या बन जाता है. बी आई ओ आई. ठीक है ना. बी आई ओ आई प्लस बन जाता है भाई क्या एच पॉजिटिव. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा. फर्स्ट सिंपल केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. क्लियर है. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास सेक्शन बी. बड़ा ही इंपॉर्टेंट आईटी एडवांस के लिए. मोर देन वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द आईटी एडवांस. ओके इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट रिलीज द ब्राउनिश कलर ब्राउन कलर गैस ऑन हीटिंग विद द ड्राई टेस्ट ट्यूब. अगर हम लोग ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हीट कर रहे हैं तो भाई कौन सा जो है जो कि हमारा ब्राउन कलर गैस को बनाएगा. ब्राउन कलर गैस को कौन कौन हमारे पास बनाने वाला है. तो देखो भाई अगर हम लोग KNO3 को हीट करें. KNO3 को हीट करोगे तो सॉरी LiNO3 को तो क्या बनेगा LiO plus NO2. NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस. एवरीबॉडी नोज दैट. सबके सब जानते हैं NO2 जो है वो ब्राउन कलर गैस है. अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो बनता है K2O plus O plus हमारे पास सॉरी ये बन जाएगा KNO2 प्लस क्या भाई O2. हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिलाइज हो जाएगी. ऑक्साइड बनाएगा. ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करेगा. अगर हम लोग BbNO3 को रिलीज करें तो ये बनाएगा क्या भाई. ये बना देगा PbO प्लस NO2 ब्राउन कलर गैस बनाएगा. अगर हम लोग Ag को भी डिकम्पोज करते हैं तो ये भी क्या बनाएगा भाई NO2 गैस को बनाएगा. तो यहां पर हमारे पास तीन जो है जो कि ब्राउन कलर गैस बनाएंगे. कौन कौन से भाई. एक लिथियम नाइट्रेट दूसरा लेड नाइट्रेट और तीसरा सिल्वर नाइट्रेट. दे आर प्रोड्यूस द ब्राउन कलर गैस. पोटेशियम नाइट्रेट नॉट प्रोड्यूस द ब्राउन कलर गैस ऑन हीटिंग. क्लियर है. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फॉलोइंग डायग्राम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है. यहां पर दो जोन होते हैं बस इंपॉर्टेंट है. ये है हाई टेम्परेचर जोन. हाई टेम्परेचर जोन और ये है लो टेम्परेचर जोन. ठीक है. लो टेम्परेचर पर रिडक्शन होता है और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होता है. ये तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा बुनसन फ्लेम का टेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें देखना है क्या क्या है. क्या क्या दे रखा है भाई. सिंपल सी बात है. रिड्यूसिंग जोन को एक्स रिप्रेजेंटेट कर रहा है. लोअर टेम्परेचर है. आंसर आ जाएगा सेकेंड और थर्ड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्म द मिल्की. सबको पता है भाई. देखो SO2 और CO2 दोनों के दोनों क्या करते हैं. मिल्कीनेस को प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर के अंडर डिजोल्व करते हैं. SO2 फर्स्ट डिजोल्व इन हम लोग जब डाला हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
क्या बना दिया बेटा इसने, CaHSO3 होल ट्वाइस, एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, क्या बन गया CaSO3, जो कि इसकी सिमिलरिटीज विद CO2 दिखाता है। और इसी तरह से CO2 भी हमारे पास क्या बना देता है, फाइनल प्रोडक्ट CaCO3। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। S2 नेगेटिव एंड SO3-2 कैन बी सेपरेट, हम लोग किसके थ्रू इनको अलग अलग कर सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट यूजफुल है। सबसे पहले हम लोग बात करें लेड एसीटेट के बारे में, तो लेड एसीटेट जब S2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले वो क्या बनाएगा, PbS बनाएगा। लेड एसीटेट में प्रेजेंट क्या है भाई, Pb2 पॉजिटिव है, तो वो Pb2 पॉजिटिव जो है वो सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, PbS का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, मतलब कि वो ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा। जबकि जब वो SO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनेगा PbSO3, क्या बनाएगा बेटा PbSO3। PbSO3 व्हाइट होता है जबकि PbS क्या होता है बेटा, PbS क्या है, ब्लैक। मतलब हम लोग इस रिएजेंट के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर क्रोमेट डाइक्रोमेट के साथ बात करें तो डाइक्रोमेट जो SO3-2 है उसको कन्वर्ट करेगा SO4-2 में, जबकि S-2 को कन्वर्ट कर देगा S मतलब सल्फर येलो में, मतलब ये भी हमारा यूजफुल है। थर्ड अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे पास ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जब कभी भी सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, और वो पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स का नाम भी याद होगा, बनता है FeCN5NOS, पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनता है सल्फाइड आयन के साथ। जबकि अगर हम लोग उसको सल्फाइड SO3-2 निगेटिव के साथ क्रिएट कराएंगे तो वो रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स का बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है FeCN5NOSO3। तो ये क्या होगा भाई, रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के साथ में अगर हम लोग नाइट्रोसो कंपाउंड के साथ में क्रिएट कराएंगे सल्फाइड को तो NOS कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि हमारा होता है पर्पल कलर, जबकि सल्फाइड के साथ में वो रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जबकि पीबी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर हम लोग यूज करें तो ऑल विल गिव, चाहे वो सल्फाइड हो या सल्फेट हो, सल्फाइड हो या सल्फाइड हो, दोनों के दोनों PbS को बनाएंगे। तो मतलब ये वाला रीजेंट यूजफुल है, ये क्या करेगा SO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये SO3 को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और S2 निगेटिव को येलो कलर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ये रीजेंट सल्फाइड के साथ NOS पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स देगा, जबकि SO3-2 निगेटिव के साथ में क्या बनाएगा भाई, रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स देगा। तो ऑल दीज थ्री रीजेंट्स आर यूजफुल, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, Which of the following is correct about the Browning test? कौन कौन से Browning test के लिए करेक्ट है? पहला है, It is given by the NO2 and NO2 negative and NO3 negative ion. Correct option. ये बिल्कुल सही है। Browning test is depend on the reduction of NO2 negative to NO2 negative. Browning test में NO2 negative और NO3 negative का reduction होता है to nitric oxide. Depend on the reduction of NO2 negative and NO3 negative to the नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में इनको रिड्यूस कर देते हैं। ये भी बिल्कुल बात सही है हमारे पास, NO के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी सही है, ब्राउनिंग टेस्ट इज फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस, दिस इज गलत, ये गलत है भाई, ये नहीं आएगा 2, ये 3 नहीं आएगा, सीधे हमारे पास क्या आएगा SO4 आ जाता है हमारे पास, क्योंकि +2 चार्ज आता है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ, द चेंज इन NO लिगेंड इज +1, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर कौन कौन से आ गए, फर्स्ट सही है हमारा, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ एंड फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, कह रहा है द रेडिश ब्राउन कलर गैस इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग अ ट्रीटमेंट विद द कंसेंट्रेटेड H2O4। फिर वही बात, रेडिश ब्राउन कलर गैस कौन भाई, Br और NO2 जब कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिल रहा है, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड CaCl3 separately, which will be give the positive test for iodine
व्हेन द सॉल्यूशन इज विगरसली मिक्स, कौन सा पॉजिटिव टेस्ट आयोडीन के लिए देगा। आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि कौन आयोडीन रिलीज करेगा जो स्टार्च पेपर को ब्लू कर दे। तो आयोडीन केवल रिलीज कौन कर सकता है भाई, क्लोरिनेटेड वाटर और ब्रोमिनेटेड वाटर, मतलब फोर्थ और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो होगा वो आयोडीन को आई निगेटिव को आई टू में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड और फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ टू आयन एक्सेस ऑफ BaCl2 के साथ में वो बाई प्रेसिपिटेट देते हैं, फिल्टर करके फिल्ट्रेट को हम लोग बॉयल करते हैं तो फिर से हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। मतलब वो बीए के साथ में कंप्लीटली एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, बाइकार्बोनेट हम लोग सल्फाइट ले लें और बाइसल्फाइट ले लें, उनका भी हमारा पास प्रेसिपिटेट मिलता है। तो सल्फाइट और बाइसल्फाइट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं सल्फाइट और बाइकार्बोनेट, ये भी हमारा सिंपल सा सही आंसर हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूस द व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो दोनों के दोनों क्या करते हैं भाई, व्हाइट प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज फॉर द मेकिंग बिटवीन द AgCl एंड AgI। AgCl और AgI को अलग अलग करने के लिए हमें किसे यूज करना होता है, दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन और होता है डायल्यूट अमोनिया सोल्यूशन, क्योंकि इन दोनों सॉल्यूशन के साथ में AgCl तो रिएक्ट करता है लेकिन AgI अनइफेक्टेड होता है। तो इन दोनों सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, AgI और AgCl को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोरेक्स को हीट किया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ में प्रेसिपिटेट मिला, प्रेसिपिटेट को हीट किया, प्रोडक्ट बनाया। तो जब हम लोग कभी भी बोरेक्स को हीट करेंगे, बोरेक्स को मतलब हो गया हमारे पास क्या भाई, B2O7 माइनस 2 दैट इज रिएक्ट विद Ag पॉजिटिव के साथ में अगर इसको रिएक्ट कराया जाए तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास AgBO2, सिल्वर बोरेट मिलेगा। ठीक है भाई, और साथ पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, और सिल्वर बोरेट की अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सिल्वर बोरेट की हाइड्रोलाइसिस से हमें दो चीजें मिलेंगी, पहला मिलेगा Ag2O और दूसरा मिल जाएगा हमारे पास क्या भाई, बोरिक एसिड। Ag2O मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा भाई, बोरिक एसिड, क्योंकि बोरेट की हाइड्रो बेटा बोरेट की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, बोरिक एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अमोनियम मोलिब्डेनेट टेस्ट किस रेडिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक वेल कॉमन वेल नोन रेडिकल है, कौन कौन से भाई, फॉस्फेट और आर्सेनेट, दे आर यूज फॉर दे इन रेडिकल्स के डिटेक्शन के लिए हम लोग किसे यूज करते हैं, अमोनियम मोलिब्डेनेट टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड डू नॉट डिजोल्व इन 50% नाइट्रिक एसिड बट डिजोल्व इन एक्वा रेजिया। बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन 50% एजो नुद्री में डिजोल्व नहीं है लेकिन एक्वा रेजिया में क्या है भाई, डिजोल्व है। कोबाल्ट हमारा HNO3 में डिजोल्व नहीं होता लेकिन एक्वा रेजिया में डिजोल्व है 50% में। NI और हमारे पास अगला आ जाएगा क्या भाई, मरकरी, इनके सल्फाइड 50% HNO3 में डिजोल्व नहीं होते लेकिन एक्वा रेजिया HCl प्लस HNO3 में डिजोल्व होते हैं, 3:1 रेशियो में वहां पर क्या होते हैं भाई, डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, NiH2SO4 हॉट कंसेंट्रेट गिव एक्स कलर गैस। एक्स कलर गैस ऑब्वियस सी बात है, Ni जब H2SO4 के साथ निकल रहा है तो एक्स कलर गैस कौन सी मिल रही है, SO2। अब इस गैस के बारे में हमें बात करनी है। डेवलप द ब्लू कलर स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर मॉइस्टन विद द पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट के साथ है, स्टार सॉल्यूशन देता है, सिंपल सी बात है, ये आई निगेटिव को कन्वर्ट किसमें करेगा, आयोडेट हमारे पास था, आयोडेट से आई निगेटिव जो होगा वो बनाएगा I2, मतलब कि पोटेशियम सिंपल सी बात है ये क्या करेगा भाई, स्टार सॉल्यूशन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। SO2 निगेटिव का +2+4 ऑक्सीडेशन नंबर है, K2Cl2O7 से ऑक्सीडाइज होगा जिससे कि Cr+6 से कहां चला जाएगा, +3 में ग्रीन कलर मिलेगा, पहला भी सही दूसरा भी सही। इट गिव्स द ब्लैक प्रेसिपिटेट विद द लेड एसिटेट, लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता। रिएक्ट विद द Cl2 वाटर प्रोड्यूस द व्हाइट कलर फ्यूम विद द अमोनिया, यह भी बिल्कुल सही बात है, व्हाइट कलर फ्यूम प्रोड्यूस कर देगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर हमारा आ जाएगा, अगर आंसर इज हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा भाई, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारा SO2 के रिस्पेक्टिव करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। अमोनियन आयन प्रोड्यूस द येलो कलर सॉल्यूशन विद सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट। गलत, येलो कलर हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। अमोनिया गैस अ ब्राउन कलर गैस, बिल्कुल गलत, अमोनिया गैस एक ब्राउन कलर गैस नहीं है। मतलब हमारे पास जो गलत आंसर आ गए वो आ गए फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हमारे पास अमोनियम आयन्स प्रोड्यूस द व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विद द सैचुरेटेड सोडियम हाइड्रोजन टाइट्रेट। बिल्कुल सही, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस द रेड प्रेसिपिटेट विद द 4 नाइट्रो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही, मतलब हमारे पास आंसर फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमसे यहां पर क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर आर्सेनाइट इज सॉल्युबल इन बोथ नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया। बिल्कुल सही, जो हमारे पास सिल्वर आर्सेनाइट का प्रेसिपिटेट होता है वो नाइट्रिक एसिड और अमोनिया दोनों में सॉल्युबल होगा, और अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होने का रीजन ही है हमारे पास एम्पोटेंट नेचर। नेक्स्ट है पोटेशियम साइनाइड व्हेन एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस द फर्स्ट येलो प्रेसिपिटेट व्हिच इज क्विकली कन्वर्ट इनटू द व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ द Bi3 नेगेटिव टर्न ऑरेंज ऑन हीटिंग विद द वॉटर। बिल्कुल सही, Bi3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता था है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, याद होगा Bi4- बनता था, वही हमारे पास आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द BiOH टर्न येलोइश इन ब्राउन एंड देन बॉयल। गलत बात, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड भी सही है, तो 15 का आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के लिए क्या क्या करेक्ट है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, करेक्ट हमें बताना है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ S2 नेगेटिव आयन। अभी पढ़ा था NOS कॉम्प्लेक्स बनता है पर्पल कलर का, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, H2S is also give the positive test, बिल्कुल नहीं, H2S से positive test नहीं मिलता। उसके बाद तीसरा हमारे the formation of the Na2FeH2O whole 4 NOS complex confirm the presence of H2 negative ion। formation जो होता है NOS negative का, उसका complex का formation presence को confirm करता है। गलत, CN आता है हमारे पास वहां पर, इसका ये भी गलत है। iron is placid oxidation state in the sodium nitroprusside complex। नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीडेशन रखता है, बिल्कुल सही बात है। आयरन नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स में सोडियम क्या होता है भाई, आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रखता है, जबकि जब FeH2O होल 5 NO वाला होता है वहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव CO2 ऑन हीटिंग। कौन कौन से CO2 हीट करने पर देंगे। हमें पता है फर्स्ट एक कार्बोनेट कभी भी डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट Li2CO3, उसके अलावा सब डिकम्पोज होकर के क्या दे देते हैं भाई, Li2CO3 डिकम्पोज हो जाता है, बाकी कोई भी फर्स्ट ए ग्रुप का कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज नहीं होता। मतलब भैया ये तो डिकम्पोज ना होगा ना CO2 देगा, बाइकार्बोनेट ये डिकम्पोज, बाइकार्बोनेट और ये सेकेंड ग्रुप का ये भी डिकम्पोज, मतलब हमारा आंसर नंबर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, CO2। बेटा नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन सी में इंटीजर में क्वेश्चंस हैं। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट द फ्लेम कलर। कौन कौन सा फ्लेम कलर को इम्पार्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, सोडियम भी करेगा, पोटेशियम भी करेगा, कॉपर भी करेगा, BaB करेगा, CaB करेगा, SrB करेगा, ZnMg और Al, इनके केस में हमारे पास इम्पार्टमेंट ऑफ फ्लेम कलर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 6 सॉल्ट कैन बी इंपार्ट द फ्लेम कलर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट द कलर्ड वेपर गैस विद कंसंट्रेट H2SO4। कौन कौन से कलर्ड वेपर गैस को या कलर्ड गैस को रिप्लेट करेंगी कंसंट्रेट H2SO4। देखो बेटा
ये तो हो गया क्रोमिल क्लोराइड, ये तो कलर्ड वेपर को रिप्रेजेंटेट कर ही रहा है। अगर हम लोग बात करें KNO2 के साथ, तो KNO2 से हमारे पास निकलेगी NO2 गैस, क्योंकि NO3 माइनस जो होता है, NO2 माइनस जो होता है वो NO2 ब्राउन कलर गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, KI से हमारे पास I3 निगेटिव निकलेगा, I3 निगेटिव हमारा वायलेट कलर होता है। Br से हमारे पास Br2 निकलेगा। KCl अकेला कोई भी गैस HCl के साथ नहीं निकालेगा, मतलब ये HCl प्रोड्यूस करेगा जो कि एक कलरलेस सिस्टम है। मतलब अभी तक कितने मिल गए बेटा, 1, 2, 3, 4, चार हमें ऊपर वाली रोज से मिल गए। चार ऊपर वाली रोज में याद रखना कौन कौन, KCl प्लस K2Cl2O7 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट CrO2Cl2 की वेपर्स निकलेंगी। KNO2 से NO2 गैस निकलेगी, KI से I3 निगेटिव वायलेट कलर निकलेगी, KBr से हमारे पास Br2 निकलेगा। KCl जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा क्या भाई, HCl बनाएगा जो कि कलर्ड नहीं है। अब बात करते हैं KBr MnO2 Br2 निकालेगा। ठीक है, ये आ गया 4, 1, 5। NO3 से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो NO3 से भी हमारे पास NO2 निकलेगा, ये हमारे पास आ गया भाई 6। KCl प्लस MnO2 यहां पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है जिससे Cl2 निकलती है गैस। यहां से हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर की गैस निकलेगी, हो गई 7। H2O से हमारे पास निकलेगा क्या भाई, SO2। SO2 एक कलरलेस गैस है। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। 7 अरेंजमेंट ऐसे हैं या 7 ऐसे हैं जो कि कलर्ड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन, KCl प्लस K2Cl2O7, KNO2 प्लस H2SO4 के साथ में, KI प्लस H2SO4 के साथ में, KBr प्लस H2SO4 के साथ में, KBr प्लस MnO2 प्लस H2SO4 के साथ, KNO3 के साथ, KCl प्लस MnO2 के साथ, KCl प्लस H2SO4 और K2SO3 प्लस H2SO4 गैस कलर्ड इंपार्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने आ गए भाई, आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइड द डायल्यूट द नंबर ऑफ आयन विच आर आइडेंटिफाइड बाई द डायल्यूट HCl। कौन कौन से आयन डायल्यूट HCl के थ्रू हमारे आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। कार्बोनेट आयन हमारा डायल्यूट HCl के थ्रू आइडेंटिफाइड होगा, SO3 हमारा डायल्यूट HCl के थ्रू होगा, बाइकार्बोनेट हमारा डायल्यूट HCl से होगा, H2O3 हमारा डायल्यूट HCl से होगा, NO2 निगेटिव हमारा डायल्यूट HCl से होगा और एसीटेट भी हमारा डायल्यूट HCl से होगा। तो हमारे पास कौन कौन से कितने आयंस आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 आयंस ऐसे होंगे जो डायल्यूट किससे हो जाएंगे भाई, डायल्यूट HCl के थ्रू। हम लोग उनको क्या कर सकते हैं भाई, अलग अलग सेपरेट करके देखा जा सकता है। ठीक है भाई। हाँ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, HCl सॉलिड K2Cl2O7 प्लस H2SO4 रेडिश ब्राउन कलर फ्रूम। सिंपल से बात है, NaCl के साथ K2Cl2O7 कंसेंट्रेट मतलब क्लोरीन क्लोराइड टेस्ट आ गया। तो यहां पर जो X बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CrO2Cl2। CrO2Cl2 में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें सेंट्रल एटम की, तो वे क्या है कि बेटा sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो कोई भी डी ऑर्बिटल टेक पार्ट नहीं होगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हम लोग इन सॉल्ट सॉल्यूशंस में AgNO3 के सॉल्यूशन को ऐड करें तो कहां कहां से वाइट प्रेसिपिटेट मिल सकता है। ठीक है, तो बेटा देखो, कार्बोनेट से हमारे पास बनेगा AgCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लोराइड से बनेगा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, Na से बन जाएगा हमारे पास AgNO2 का वाइट प्रेसिपिटेट। केवल NaBr से हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, बाकी जितने भी सॉल्ट हैं दे ऑल आर गिव द क्या बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो वो सॉल्ट कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 कैन बी प्रोड्यूस द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद द AgNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है FeSO4 KCN हीट किया, एक्सेस के साथ में हीट करोगे तो भाई एक्स तो सिंपल सा सभी को पता है, K4FeCN6 बन गया। ठीक है, K4FeCN6 को कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ ट्रीट करोगे तो HCN।
बोला है पी पाई बॉन्ड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो पी पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से HCl में भी दो पी पाई बॉन्ड होते हैं, तो टोटल पी पाई बॉन्ड का नंबर कितना आ गया, फोर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फोर। हाँ बेटा, अगला है एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ डाई मिथाइल ग्लायोक्सिम इज एडेड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ द निकल सेकेंड क्लोराइड, स्लो एडिशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द ब्राइट रेड कलर कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, निकल ग्लायोक्सिमेट कॉम्प्लेक्स। निकल ग्लायोक्सिमेट कॉम्प्लेक्स में हम लोग यहां पर निकल को लेते हैं और यहां पर ग्लायोक्सिमेट में ये हमारे पास एन 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 एन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है O माइनस, इस पर आता है ओ एच निगेटिव, ये होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आता है ओ एच और यहां पर आता है ओ निगेटिव, ये होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम लोग टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो एक और एक कितना आ जाएगा, दो, जो एक नाइट्रोजन पे प्रेजेंट ओ निगेटिव और ओ एच के बीच में बनता है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, टू। टू हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द निकल ग्लायोक्सिमेट कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं एट्थ की तरफ। एट्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ऑलवेज द येलो कलर प्रेसिपिटेट, सबके सब येलो कलर प्रेसिपिटेट कैसे दे सकते हैं। सभी ने पढ़ा होगा कोबाल्ट प्लैटिनम और क्रोमियम, दे ऑल आर गिव द येलो कलर प्रेसिपिटेट, इन सब के कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्या मिलेगा, येलो कलर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होएगा। तो आंसर एट्थ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, थ्री। दे ऑल आर प्रोड्यूस द येलो कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द फर्दर टाइप्स ऑफ कटायंस, सबके सबके हमारे पास क्या करेंगे भाई, येलो कलर कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन में इसने बोला है कि द नंबर ऑफ द मेटल नाइट्रेट गिव द बिलो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन कौन से मेटल नाइट्रेट जो है जो कि फॉलोइंग रिएक्शन को दे सकते हैं। रिएक्शन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट है, हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट किया, देयर इज नो चेंज इन कलर एंड द नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट रिमेन टेस्ट ट्यूब, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब किसी भी टाइप का कोई कलर प्रेजेंट नहीं है। कलरलेस अगर हम लोग बात करें तो कलरलेस के फॉर्मेट में हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो कॉपर का तो सभी को पता है कि ब्लू कलर हमें प्रोड्यूस करने वाला ही है, ब्लू कलर तो वो देगा ही देगा, ये तो अब सबको पता है। तो अगर हम लोग यहां पर कलर चेंज के बारे में बात करें तो कलर चेंज किसके किसमें पॉसिबल होगा और किसमें किसमें पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है एजी में कोई कलर नहीं मिलेगा, लेड सिल्वर नाइट्रेट कलर नहीं देता, अभी पीछे पड़ा था, कैडमियम नाइट्रेट कलर नहीं देता और जिंक नाइट्रेट भी कलर नहीं देता, इनमें अमोनिया के एडिशन से कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, बाकी सभी अमोनिया के साथ में डिफरेंट टाइप्स के कलर कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ QSO डिकलराइज्ड बाय द KCN ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ही कॉम्प्लेक्स ए होगा, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स ए CuSO4 KCN सॉल्यूशन इज फिक्स्ड इन द कॉम्प्लेक्स, देन जो हमें चीजें बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने सबसे पहले CuSO4 सॉल्यूशन में किसको डाला, KCN को डाला, ठीक है। CuSO4 सॉल्यूशन में KCN को डालने पर क्या बनेगा, CuCN होल ट्वाइस प्रेसिपिटेशन होगा और साथ में क्या निकल जाएगा, K2SO4, ठीक है। लगातार जब हम लोग एडिशन करते जाएंगे तो फाइनल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा CuCN होल 4 और बाहर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2, ठीक। अब हमें यहां पर क्या बताना है, क्या क्या चीजें बतानी, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो क्या आएगा, sp3, ठीक है। कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, क्या बन जाएगा भाई, sp3, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो 4 आ गया, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, कितने बोला है, डी ऑर्बिटल, तो 0 आ गए, और जो हमारे पास सी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4। तो हमसे पूछा क्या है, 8a+5c, तो ए कितना हो गया भाई, 0, तो 8 × 0 + 5 × क्या भाई, 4 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 20। डन, आई होप सबका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, सबके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। ओके।